गाजा में जंग के हालात अब इजरायली सेना के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वो आईडीएफ के टैंक्स को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाना हो, या फिर बूबी ट्रैप में फंसाकर इजरायली सैनिकों को मारना, या फिर स्नाइपर ऑपरेशन में घात लगाकर दूर से ही इजरायली सैनिकों का काम तमाम करना हो, इन सभी हमास के हथकंडों से इजरायली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में इजरायली सेना को गाजा में अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल 10 मार्च 2024 को हमास ने बताया कि उसने गाजा के भीतर इजरायली सेना की कई चौकियों पर बड़े हमले किए हैं, जिनमें आईडीएफ को जवानों का भारी नुकसान हुआ है। अल कासिम ब्रिगेड ने पश्चिमी बेईत हनून में इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमला किया है, जिसका कथित तौर पर एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। अल कासिम ब्रिगेड ने एक ड्रोन फुटेज जारी करके इस हमले की पुष्टि की है। उसका कहना है कि इस तरह के हमलों से इजरायली सेना ने गाजा के कई इलाकों से अपने जवानों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा इसी दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर तल अल हवा में एक स्नाइपर ऑपरेशन भी किया है, जिसमें आईडीएफ के एक जवान की मौत हो गई है। और जब ये हमला हो रहा था, उसी दौरान जबालिया कैंप में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला कर दिया। इसी दौरान खान यूनिस शहर के बानी सुहेला इलाके में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक घर में बारूद बिछाकर उसे उड़ा दिया। इस घर में इजरायली सेना की एक यूनिट मौजूद थी, और इस हमले में इजरायली सेना को कई जवानों का नुकसान हुआ है। और इसी इलाके में अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली सेना के इंजीनियरिंग कॉर्प्स के एक जवान को गोली मार दी। वहीं दूसरी तरफ अल बुरेज में अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सेना के एक ड्रोन को निशाना बनाकर उसे मार गिराया। साथ ही जैतून इलाके में अलक्सा मार्टर ब्रिगेड के लड़ाकों की आईडीएफ से झड़प भी हुई है, और इसी इलाके में अल कुद्स ने इजरायली सैनिकों पर भी हमला किया है। ये सैनिक जैतून के दक्षिण में गली नंबर 10 के पास घूम रहे थे, तब अल कुद्स के लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन इन सभी के बीच बड़ी बात यह है कि खान यूनिस के पश्चिम में इजरायली सेना पर बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर अल कुद्स के लड़ाकों ने आईडीएफ पर हैवी कैलिबर मोर्टर से गोले दागे हैं, और इस हमले में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर भी आरपीजी गोलों से हमला हुआ है।